बातें। गोविंद अपने पलंग से उठे, उद्धव को गले लगाया, बोले उधामुखी ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। तुम्हारी मथुरा में सब सुविधाएं उधो में, ये नहीं कहता, पर मेरे ब्रज का सुख कहीं नहीं है। जानते हो मुझे जरा सा जुकाम भी हो जाता ना, मेरी माँ यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, मेरे लाला को काम है वो, मेरे कन्हैया को छींक क्यों आई, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, काऊ की नजर लग गई, मेरे लाला क्यों रोवे। मैंने क्या किया मालूम, वो माता यशोदा जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया उधो, मैं जब मथुरा आने लगा ना, नंगे पैरों से मेरी वृद्धा माता यशोदा मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी, लाला रुक जा राजा रुक जा, लाला रुक जा, ऐसे मुझसे बोली। और मैंने क्या किया मालूम, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा मैया परसु आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। उधो मुझे इतनी ग्लानी होती है, जब मुझे बरसों तक लौट के जाना ही नहीं था तो मैंने मां से झूठ क्यों बोला। लेकिन मैं जानता हूं उधो, यदि मां यशोदा से मैं न बोलता कि मैं परसों आ जाऊंगा तो मां मर गई होती, वो तुरंत मर जाती। मैं गौ चराने वन में जाता, अपनी मुरली बजाता ना उधो, तो मेरी गौ माता के छोटे छोटे बछड़े पूंछ उठा के दौड़ते, हजारों की संख्या में मुझे घेर कर खड़े हो जाते, और मैं जब मुरली बजाना बंद कर देता तो ऐसे मुझे देखते मानो वो आंखों से ये कहने चाहते हो, मुरलीधर क्यों बंद कर दी, बजाओ ना। मेरी मुरली के तान को सुनकर के मां गौ माता के मुंह में चारा भरा रहता, और वो मुंह खोलकर मुझे देखती, मुंह में चारा है चवाना भूल गए। ये प्रेम की भूमि है ब्रज, मैंने ब्रजवासियों से धोखा किया। राधा रानी की कृपा, गोपियों का विचित्र प्रेम, नंद बाबा का दुलार, मां यशोदा का वात्सल्य, मैं कैसे भूल जाऊं। उधो मुझे याद इसलिए आती है कि उन्होंने भी मेरी याद करते होंगे। एक बार तुम जाओ ना मेरे गोकुल, मेरे नंदगांव, वृंदावन में जाकर उन गोपियों से मिलो, राधा रानी से मिलो, मेरा समाचार कहो, ऐसा कुछ करो कि वे लोग मेरी याद न किया करें। और उद्धव ने कहा मैं चला भी जाऊं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, जहत अजहत लक्षणा का व्याख्यान करूंगा वेदांती भाषा में, क्या समझेंगे वो लोग मेरी भाषा, क्या पहचानेंगे मुझे। भगवान ने कहा थोड़ी सरलता में बताने का प्रयास करना, थोड़ी सरलता में कहने की चेष्टा करना। उन्होंने कहा आपकी आज्ञा मानकर जाने में मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, पर मेरी बात सुन लो कन्हैया, मैं 2 घंटे से ज्यादा वहां रुक ना पाऊंगा, समाचार पढ़ के सुनाया लौट के आया। भगवान बोले तुम जाओ तो सही, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि तुम 2 घंटे में, 2 दिन में, या 2 महीने में, या 2 वर्ष में लौटोगे। उद्धव जाने लगे तो कृष्ण ने कहा मेरी काली कमली अपने कंधे पर डाल करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासियों की जो प्रीति है वो विशुद्ध प्रीति है, मेरे अलावा किसी से
बहुत संपर्क वो रखना नहीं चाहते, और मेरे अलावा किसी की वार्ता वो प्रसन्नता से नहीं सुनते। जा रहे हैं। और जिस दिन से परिस्थिति बनी ऐसी, हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण ये कह करके गए कि मैं परसों आऊंगा, और बरसों बीत के नहीं आए, तो इन ब्रजवासियों की परिस्थिति देखें आप। मथुरा के रास्ते पर आकर कृष्ण के नन्हे नन्हे सखा बैठ जाते, झाड़ियों में बैठे हैं, टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देख रहे हैं, जो रास्ता मथुरा जाता है, एक दूसरे को देखने निहार रहे, और यही कहते हैं लाला आ रहे होएगो, लाला आ रहे होएगो, गोविंद आ रहे होएगो। और शाम तक जब कृष्ण नहीं आते तो लौट कर चले जाते, और जाकर के बोलते मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आए। एक एक पल, एक एक क्षण कृष्ण के वियोग में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज आशा की किरण जगी। आज उन ब्रजवासियों ने देखा कोई रथ आ रहा है, और रथ पर वही चिन्ह लगा है जो अक्रूर जी के रथ में लगा था। अब झाड़ी में से निकलकर सब एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, अरे मधुमंगल, अरे सुवल, अरे तोष, अरे श्रीदामा, अरे दोनों भैया, हमारो कन्हैया आ गए, हमारो नाना आएगा, और झाड़ी में से निकलकर भागे। कृष्ण का बहुत लाडिला मधुमंगल छुप कर बैठ गया। एक सखा बोले तू चल ना भैया, तू चले क्यों ना है? बोले हम तो कन्हैया से रूठ गए, और गोविंद आकर के हमारे चरणों में गिर के हमको मनावेगो तो बात करेंगे नहीं, हम बातें बोलेंगे ही नहीं। जब ये सब ब्रजवासी चौकड़ी भर के भागे, अरे लाला आ गए हो, अरे गोविंद आ गए हो, हमारो कन्हैया आ गए हो, तो मधुमंगल से रहा नहीं गया, और मधुमंगल झाड़ी में से निकल के भागा, और भागते भागते उन सखाओं से आगे जाने लगा। एक सखा बोले चौं तू तो रूठ गए कन्हैया से, अब काई को निकल के भाग रहे हो? मधुमंगल बोला अरे रूठ बाद में जाऊंगा, इतने दिन में मेरा गोविंद आ रहा है, एक बार गले से लगा कर प्रेम तो कर लू। उन हजारों सखाओं ने आकर के रथ को घेर लिया। मधुमंगल बोलो या में हमारो कन्हैया है ही ना सके, क्योंकि कृष्ण यदि होते तो रथ से कूद जाता और हमारे गले लग जाता। सबने पर्दा हटा करके देखा, रथ में उद्धव जी बैठे, और उद्धव से बोले भाई जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से कृष्ण का मित्र हूं, यदुवंशियों का महामंत्री हूं, बृहस्पति जी का शिष्य हूं, आप लोग मुझे बता सकते हैं मां यशोदा का घर कहां है, नंद महाराज का दर्शन सुलभ कहां होगा, आ, 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 आप लोग ये ना समझना कि कृष्ण वो बड़े व्यस्त हैं, युवराज हैं ना, आजकल याद बहुत करते हैं आप सबकी, इसीलिए तो मैं आया। नजरानी का घर कहां है मुझे बताओ। रोते हुए सखा बोले वाह रे कन्हैया, परसों की कहकर के गया और वर्षों बाद हमारी याद भी आई, तो मित्र भेज दिया स्वयं नहीं आया। उद्धव जिस दिन से प्राण बल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए, माता यशोदा के महल का रास्ता इतना सीधा हो गया, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। ये पानी बह रहा है, उद्धव ने कहा पानी है, इस पानी के किनारे किनारे चले जाओ, और जहां इस पानी का उद्गम है, जहां से पानी निकल रहा है, वही नजरानी यशोदा का घर है।
क्योंकि ये कोई पनारे का पानी नहीं है, ये किसी नाले का पानी नहीं है, ये किसी नदी सरोवर का पानी नहीं। उधव मेरे गोविंद के वियोग में लाखों गोपियां जो 24 घंटे रोती हैं, मेरे कन्हैया के वियोग में हजारों गायों के नेत्रों से जो आंसू झर रहे, माता यशोदा, नंद बाबा, लाखों गाय, लाखों गोपियां कृष्ण के वियोग में उनके नेत्रों से निकलने वाले प्रेम के आंसुओं का ही तो ये पनारा बह रहा है, ये कोई पानी नहीं है। यही नजरानी के महल से आ रहा है। बाप रे, उद्धव तो देखते रह गए। रथ से नीचे ब्रज की भूमि पर पैर रखा, नजरानी के महल के द्वार पर उद्धव आए, माता यशोदा के महल के अंदर से कृष्ण 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 नाम की ध्वनि निकलती है। उद्धव ने प्रवेश किया तो कभी किलकारी मार के कोई हंस रहा है जोर से, कोई नन्हा सा बालक मानो हंसता है। वो है मां यशोदा, गोविंद की याद में 24 घंटे बैठी रहती है। मैया की आंखों से आंसू कभी सूखते नहीं उद्धव। अब तो हालत ये हो गई कि आंख से देखना भी कम हो गया, इतना रोती है। गोविंद के वियोग में कानों की शक्ति भी कमजोर हो गई उद्धव। तुम थोड़ा जोर से बोलो तो तुम्हारी बात शायद सुन ले। उद्धव ने महल में प्रवेश किया, मां यशोदा के चरणों में गिर के प्रणाम किया। प्रणाम माता, मैं साष्टांग दंडवत करता हूं। किसी ने इशारा किया जोर से, मैं उद्धव उद्धव बोल रहा हूं, मां मथुरा से आया हूं, उद्धव कृष्ण का मित्र, मेरा प्रणाम। कौन है? धीरे बोलो धीरे। लेकिन क्यों? अरे जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी, मेरे गोविंद की नींद खुलेगी। तुम्हें मालूम नहीं, कभी माखन मांगे, कभी छिन्ना मांगे, कभी बहू मांगे, बड़ी मुश्किल से मैंने कन्हैया को सुलाया है। के धूर भरे अंग सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिर अगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग को का कहिए, हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी। कौआ हाथ से रोटी ले गया, मचल गया गोविंद, कौआ से युद्ध करूंगा, अपनी रोटी लेके आऊंगा। अरे उद्धव, एक एक बात मुझे याद आती है, एक एक लीला का मैं स्मरण करती हूं। क्यों गोविंद चला गया छोड़कर, नंद बाबा भी आ गए। बाबा के चरणों में उद्धव ने प्रणाम किया। रात भर मां यशोदा ने ऐसे अकाट्य प्रमाणों का उदाहरण दिया। उद्धव बौना हो गया, मां आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दो, आप वो बिल्कुल नहीं है जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल के कण पर वार दिए जाएं मां, तो आपके चरणों की धूल के कण की बराबरी नहीं कर सकते। आप तो ज्ञान का भी अगाध सागर हैं,
मां ने अपनी भोली भाषा में सब कुछ कह दिया। अद्भुत बात्सल्यमयी भक्ति है मां यशोदा की, वो बात्सल्य का सागर है। मैं राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूं। भागवत में एक बड़ा अद्भुत गीत है, भ्रमर गीत, जो भौरा गाता है। ध्यान से सुनना। अब गोपियों के पास में उद्धव जी आए, ऐसा सुंदर निकुंज वन है, यहां श्रीजी गार्डन में कथा करता हूं, चारों तरफ में कभी कभी हरे वृक्षों की वृक्षावलियों को देखता हूं तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। निकुंज वन में बैठी है राधा रानी और हजारों गोपियां लाखों गोपियां घेर कर बैठी हैं। अब इस बात को देखकर के उद्धव को लगा यशोदा मैया के सामने भी बोना हो गया, मैं बोलने के काबिल न रहा, तो गोपियों के सामने तो बोली कैसे सकता हूं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। इतने में उड़ता हुआ एक भौरा आया, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। भागवत का बहुत अद्भुत गीत है। हम लोग इसकी कुछ पंक्तियां सुनते हैं। संस्कृत में बड़ा मर्म छुपा रहता है। अब भौरा उड़ता हुआ आया, गोपी भौरे को सुनाकर मानो उद्धव से कह रही है, मधुपति तव बंधो मा स्पृशाघ्रिं सपत्न्या उच्च विरलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तं सदसि विडम्यम् यस्य दूतस्त्वमित्रे मधुपति तव बन्धो अरे कृष्ण के कपटी मित्र क्यों बार बार हमको मनाने की चेष्टा करता है, हमारे पैरों को स्पर्श मत करे, हमसे बात मत करे तू। सत्रिधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाई सुमन सव सत्य सत्य जेस्मान भवादे परिचरसि कथम ता प्रिवतहित चेता उत्तम श्लोक जल्पै मधुपति तव बन्धो। जैसे तुम भोरे फूल पर बैठकर उसके रस को चूस लेते हो, फूल को छोड़कर चले जाते हो, ऐसी तुम्हारा कपटी कृष्ण है, प्रेम करता है पर रोती बिलकती छोड़कर चला जाता है, हम मानने वाली नहीं है तुम्हारी बातों में। किमिह बहुषढ़ं ग्रे गायसि त्वं यदुना अधिपतिम गृहाणा अग्रतो न पुरा
सख सखीना गीयताम तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टा मधुपकित बंधो। हम सब जानते हैं अरे शरंद्रे बार बार हमारे पैरों में गिरने का प्रयास मत करो। तू यदुवंशी कृष्ण की यशो गाथा हमारे सामने गाकर हमें चढ़ाता है। देवी भूवि चर साया कास्त्रियस्त दुरापा कपट रुचिर हास चरण रज उपास्ते यस्य भूते भयंकर अपि च कृपण पक्षे युक्तम श्लोक सद मधुपकित बंधो। अरे षडंग्रे हमको आकर बार बार तुम मनाने का प्रयास करते हो। हम तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है, हम तुम्हारे स्मरण में आने वाली नहीं है। विसृज सिर से पादम वेद्यहं चाटुकारी अनुनय विदुषस्ते इह विशिष्टा पत्न्य पत्न्यन्यलोका व्यसिजत कृत चेता किन्नु संधेयमस्मिन् मधु मधुपकित बंधो। अरे कृष्ण के कपटी मित्र हमें बार बार मनाने का प्रयास करते तुम्हारी और कृष्ण की स्थिति एक जैसी है। तुम कमल पर बैठकर उसके रस को चूसते हो फिर कमल से संबंध छोड़कर चले जाते हो। ऐसी तुम्हारा कृष्ण है, वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। हम जानते हैं उसकी आदत को। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, उसके पास में गए। मृगायुरिव कपिंद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपां स्त्रीजित कामयानम। वो बेचारी सुरपणखा आई थी पाउडर लगा के, शादी रचाने आई, शादी वादी करना तो कुआ भाड़ में गया, नाक कान काट दिया। राजा बलि के यहां पर वो ठिगना सब बामन बनकर के गए, सब कुछ लूट लिया और बाली को छुपन के बाण मार दिया। आज का नहीं जन्म जन्मांतर का वो कपटी है। उन्होंने कहा वो हो, ये गोपियां तो सब जानती हैं कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नारायण है। अहो यूजम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता केमास्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैस परमात्मनि रूढ़ भावा। कृष्ण के प्रति इनकी विचित्र रीति, फिर भी भैया बृहस्पति के चेला है तो उपदेश तो करना पड़ेगा।
उद्धव ने कहा माफ करना देवी हो, जिस कृष्ण के वियोग में तुम रोती हो, जिस कृष्ण के वियोग में तुम विलाप करती हो, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर है, ब्रह्म है, और ब्रह्म जो होता है उसके लिए रोना कैसा। उसके हाथ होते नहीं, पैर होता नहीं, शरीर होता नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र उसकी सत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को योग के माध्यम से मन पर निग्रह करना चाहिए और निग्रह मन के द्वारा ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। रोना धोना जीवन के लिए खत्म। बोले उधो मन ना रहे दस बीस, एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे। उधो मन केवल एक होता है और एक मन को चुराकर कृष्ण यहां से ले गए। अब दूसरा मन हमारे पास है ही नहीं तो तुम्हारे ब्रह्म का चिंतन किससे करे। अरे मन हो तब ने चिंतन किया जाए ब्रह्म का। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, जो देही बिनु शीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के। बिना कृष्ण के शरीर का अस्तित्व तो नहीं है। हम तो गोपी हैं और गोपी का तो मतलब होता है गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पे बतीत गोपी, और कृष्ण के जाने के बाद तो इंद्रिय शिथिल हो गई। पर हमारी भी एक बात सुन लो, तुम कहते हो उसका शरीर नहीं होता तो गलवैया देके रास रचाया कैसे। तुम कहते हो हाथ नहीं होते तो गौ माता को पकड़कर गौ चराने गया कैसे हाथ में छड़ी लेके। तुम कहते हो मुख नहीं होता तो माखन मिश्री हमारे सामने हमारे घर में पाया कैसे। उनके चरण नहीं होते तो रास रचाया कैसे। अरे उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहां रोम रोम शाम है। यहां तो रोम रोम में गोविंद बैठा है। अच्छा तुमको शायद ये भ्रम हो गया कि हम जो कृष्ण के वियोग में रोती हैं इसका मतलब शायद तुमने ये लगाया कि हम कृष्ण से मिलने को रो रही हैं। गलत, हम कृष्ण से मिलने को नहीं रो रही हैं। यदि केवल कृष्ण से मिलना हमारा ध्येय होता उधो तो हम सवेरे कृष्ण से मिलने जाती शाम तक दो बार मिलके वापस आ जाती। मथुरा दूर है क्या? पर हमारे जाने से, हमारे मथुरा पहुंचने से श्री गोविंद की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का व्यवधान यदि आता है तो जीवन पर्यंत हम कृष्ण से मिलेंगी ही नहीं, पर इस दिल में सिवाय कृष्ण के किसी दूसरे को जगह मिल भी नहीं सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन ब्रह्म, कौन परमात्मा, कौन योगेश्वर, कौन क्या, हमारा तो सब कुछ कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारा तो सब कुछ केवल कृष्ण है, सिवाय कृष्ण के हम किसी को जानती नहीं। क्योंकि आसृष्ण्यवा पादरतम पिनस्तुमाम अदर्शनाम मन्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणना तस्तु सेवन पर। वो हमको हृदय से लगाकर पीस डाले, चाहे पैर की ठोकर से मर्मांत तक पीड़ा पहुंचाकर मार डाले, जैसा उनको लगे वैसा करें, लेकिन मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर। हमारे प्राणनाथ केवल कृष्ण हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता।
अब तो गोपियां कृष्ण वियोग में मेरी सुनो मेरी सुनो में अभी भौरा से बात कर रही थी कि अभी मत मधुपुरिया आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति संपित्र गेहान सौम्य बंधु गोपान क्वचिदपि स कथान किंकरी नाम गृणीते भुजम गुरु सुगंध्यम मूर्धन दास्यत कदानु। उल्हाना देती भी जा रही है और यह भी लग रहा है कृष्ण को कहीं बुराने लग जाए। अब गोपी भावावेश में आ गई, ऐसी प्रेम की नदी उनकी वाणी से बह रही है, ऐसे भाव का सागर उनके नेत्रों से बह रहा है। मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। और सुनाते सुनाते गोपियां रुदन करने लगी, उनके नेत्रों से बहने वाले प्रेम के आंसू एक सरोवर के रूप में परिवर्तित तो हो गए और प्रेम का सरोवर एक भाव की नदी बन गई, भाव की नदी एक अथाह सागर बन गई प्रेम का। और उस प्रेम के सागर में उद्धव ने ऐसा गोता लगाया, उबास कतिचिन मासान कई महीना बीत गए। उद्धव की आंखें खुली, आसाम हो चरण रेणु दुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम च हित्वा भेदुर्मुकुंद पदवीं सुतिभिर्निज्ञाम। मेरे जीवन की एक ही आशा है, मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है, मनुष्य का जन्म मिले तो वृंदावन में मिले, पशु पक्षी भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, कोई पत्थर का टुकड़ा बनूं तो गिरिराज की तरहटी का बनूं, घास का कोई तिनका बन जाऊं तो भी ब्रज में बनूं, ताकि गोपियों के चरणों की धूल उड़कर मेरे मस्तिष्क पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। और गोपियों से उद्धव ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं देवी, सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, गोपाल यहां होंगे। उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो ढो। अरे बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। उद्धव जी लौट करके आए तो परमात्मा गोविंद मुस्कुरा करके बोले, आइए आओ ज्ञानी जी। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम नहीं, गोपी के चरणों को प्रणाम नहीं, गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम करके आए हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अवीक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भवनत्रयम्। भगवान ने कहा आओ उद्धव। उद्धव बोले, आपसे बड़ा कठोर तो मैंने कोई देखा ही नहीं, आप कैसे रह पाते हैं गोपियों के बिना? अरे मैंने तो उनके प्रेम सागर में गोता लगाया है, चाह कर भी मैं निकल न सका, पर मैंने उनको वचन दिया है आप अभी चलिए। भगवान मुझे बहुत प्रसन्नता है उद्धव, तुम ज्ञानी तो थे पर भक्ति की मुझे कमी नजर आ रही थी। उद्धव जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो अंधी होती है, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो पंगु होता है, लंगड़ा होता है। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं वो ज्ञान कुपुत्र है, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं वो भक्ति बाज है। आंखें बंद करना। उद्धव ने कहा क्यों? बोले करो ना, मैं बोलता हूं। मथुरा में कृष्ण के पास बैठकर उद्धव ने आंखें बंद करी, भगवान ने कहा खोल कर देखो, खोल कर देखा तो उनकी बगल में राधा रानी बैठी है और हजारों गोपियां वहीं बैठी हैं।
भाई राधा कृष्ण दो थोड़े ही हैं। राधा कृष्ण स्वरूपां भाई कृष्णम राधा स्वरूपिनम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, अंतर नहीं है। तस्मा ज्योतिरभूत वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत होती है, उन्हें हम राधा और माधव कहते हैं। वही राधा माधव है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। उद्धव का मन का संदेह दूर हो गया, भगवान कुब्ज